एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी होली एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो गाइस, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है यूपी में बीए नहीं बाबा, आई डोंट नो क्या लिखा है। खैर, अनामिका अंबर ने बंडलखंड में सुनाई खड़ी खड़ी। गाइस, चलते हैं और देखते हैं कि क्या सुनाई है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यस, हियर वी गो। नमस्ते, हम अनामिका जैन अंबर, ललितपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश की बिटिया। सबने अपने अपने मन की कही, को उन्हें कछु कही, को उन्हें कछु कही, को उन्हें इतने की कही, को उन्हें उतने की कही। उत्तर प्रदेश की हर बात कही, अकेले बुंदेलखंड की को उन्हें नहीं कही। सो हमने सोची कि हम भी कह देवे, सो हम आ गए, हम कह रहे। सुनो। जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, उन्हें इतने हम आए बताबे, इतने नैया कछु दिखाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी, मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे, यूपी भर की मिट्टी उदासी। राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दे, राम लला को धाम बना दो। बेबी काशी काशी कर रे, बेबी काशी काशी कर रे, जोन करते काबा काबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। सुनत जाओ और बता रहे कि यूपी दंगा मुक्त करा दई, यूपी दंगा मुक्त करा दई, घरन घरन में गैस भरा दई, गुरबन तक को मान मिले है, गैयन को भी थान मिले है। किच 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 जिते होती, किच 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 जिते होती, थम गो सबरो शोर शराबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। दंगेल सबरे डरे जेल में, दंगेल सबरे डरे जेल में, सोच के जा अब भरे जेल में, बाहर जे तो गोली घल जे, ईसे तो हम भरे जेल में। जीने गुंडागिरी करी है, जीने गुंडागिरी करी है, थाने से आ गओ बुलाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और बता रहे तनक जा भी सुनो कि काट पतंगे सूते मंजा, काट पतंगे सूते मंजा, सब दुष्टन पे कसो सिकंजा, मोड़ी रात में कड़न लगी है, देखो कितनी बड़न लगी है। पुलिस भी अपनी फॉर्म में आ गए, पुलिस भी अपनी फॉर्म में आ गए, चैन से सोवे अम्मा बाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बुंदेलखंड, कौन बुंदेलखंड, कैसो बुंदेलखंड, काय को बुंदेलखंड, को जानत है नहीं जानत तो हम बता रहे। यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, आजादी को स्वर्णिम किस्सा, बुंदेलखंड को सभी जनन ने अब तक केवल दो तो गिस्सा। हथियारन की लगा फैक्ट्री, हथियारन की लगा फैक्ट्री, बुंदेलखंड को दो बढ़ावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। चलत चलत एक और बात कह दे रहे, चलत सुन लो। अलख जगाई घर घर देसी, अलख जगाई घर घर देसी, ल्याए सब उत्पाद स्वदेशी, जिनकी चमक देख के अंबर, छोड़ दुकाने भगे विदेशी। पांच सितारन पे अब भारी, पड़ गो अपनो देसी ढाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बहुत ही मजे का था। ये अनामिका अंबर हैं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एक कविता लिखी हुई आई थिंक कि यूपी में बाबा। एंड क्योंकि जो
योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने गाया है और एक्सप्लेन किया है अपने इन विचारों के बारे में कि योगी आदित्यनाथ जी कैसे काम करते हैं, और मतलब के लाइक बुलडोजर वाला सीन आपको मालूम ही होगा कि बुलडोजर वाले सीन भी काफी हाईलाइट हुआ था कुछ टाइम पहले की बात है। उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीजों को हाईलाइट किया गया था, तो वही जो है आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हर चीज के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। लाइक गुंडों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की और जो है वो दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई की, बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट उन्होंने काम किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने बातें की हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लगा। और जो है असल में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद काफी चीजें हमें चेंज होते हुए दिखी है ना, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में आने के बाद बहुत कुछ किया है, तो उसी को ही इन्होंने अपनी वर्डिंग में जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया है, जो कि बड़े मजे का लग रहा था और पीछे ढोल तबला बज रहा था तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा था। तो गाइज मजा आया मुझे देखकर, आई होप कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा देखकर, और अगर योगी आदित्यनाथ जी भी देखे होंगे तो उनको भी बहुत ही ज्यादा खुशी मिली होगी। तो यस ऐसे ही होता है, इंसान जब जो है अच्छा काम करता है तो उसको उसका फल जरूर मिलता है, तो योगी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, उसी का फल उनको मिल रहा है और लोग उनको तारीफ भी करें, उनकी अप्रिशिएट भी करें, तो अच्छी बात है। तो गाइज इस पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर मैंने भी एक दो वीडियोस बनाई थी, तो वो काफी ज्यादा इंडिया में भी वायरल हुई थी, तो काफी लोग मतलब के धूम मची हुई थी कि आपकी वीडियो वायरल हुई है। सो ये खुशी होती है ना जब आप वायरल होते हो या फिर कुछ भी इस तरह का होता है, तो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस रहता है, तो अच्छा लगता है। बाकी ओवरऑल आप लोग क्या कहेंगे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी फ्रेंड्स आप लोग होली वगैरह कैसे सेलिब्रेट करें ये जरूर शेयर करें मुझसे कमेंट सेक्शन में। और बाकी जो है इनकी पोएट्री नो डाउट बहुत अच्छी है। बंडल खंड खंडी कलर इज आल्सो चार्मिंग एंड अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा बंडल खंडी आई थिंक इट्स जो आइलैंड कुछ इस टाइप का है शायद, बंडल खंडी के बारे में मुझे आइडिया नहीं है या फिर कुछ लाइट जगह का नाम है। सो प्लीज आप लोग मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कि बंडल खंडी क्या है। और बाकी जो बंडल खंडी मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना है, इससे पहले मैंने नाम नहीं सुना है, यूपी का सुना है, उत्तराखंड का सुना है, बट बंडल खंडी आई थिंक किसी स्पेसिफिक प्लेस का नाम है या कुछ, जरूर मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, मैं जानना चाहूंगी। और बस मैं यही कहूंगी कि जो शायर होता है ना, शायर पोएट्री होता है ना, वो हमेशा अपनी आसपास की हर चीज को नोट करके फिर उसको जो चीज क्लिक करती है बस उसी चीज को वो ज्यादातर हाईलाइट करते हैं। तो आई थिंक ये इनको योगी आदित्यनाथ जी की जितनी भी चीजें हैं जो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में आने के बाद जो कारनामे करके दिखाए हैं लोगों को, तो वो सारी चीजें इन्होंने अपनी इस पोएट्री में हाईलाइट की हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त। सो गाइज इस पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।